रामपुर बुशहर में आज हिमाचल दुग्ध उत्पादक संघ की बैठक विश्राम गृह नीरथ में हुई। इस बैठक में दुग्ध उत्पादकों की समस्याओं व मांगों पर चर्चा की गई तथा 17 जुलाई को दत्तनगर में होने वाले प्रदर्शन को लेकर योजना बनाई गई। इस बैठक में हिमाचल दुग्ध उत्पादक संघ के संयोजक देवकी नंद, सह संयोजक दिनेश मेहता, काकू कश्यप ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकार की गलत नीतियों के कारण दूध पैदा करने वाले किसान बहुत दुखी है, उनका शोषण हो रहा है, जिसके तहत उन्होंने सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने आज तक कोई स्थायी नीति दूध वालों के लिए नहीं बनाई है, जिस कारण दूध उत्पादन को घाटे का सौदा बन रहा है। संयोजक हिमाचल प्रदेश दूध उत्पादक संघ, देखिए आज ये जो नीरथ विश्राम गृह के अंदर जो बैठक हुई है और इस बैठक के अंदर जो मुख्य रूप से जो दूध पैदा करने वाला जो किसान है उसकी समस्याओं को लेकर चर्चा हुई है और 17 जुलाई को जो दूध उत्पादक संघ के आह्वान पर जो दत्तनगर के अंदर जो 24 घंटे का जो विरोध प्रदर्शन है उसको लेकर भी जो इस बैठक के अंदर जो तैयारियां की गई है। आप जानते हैं कि आज के समय में जो दूध पैदा करने वाला जो किसान है उसको जो है उस दूध का जो है सही दाम नहीं मिल रहा है, उसकी जो पेमेंट है वो पर समय पर नहीं मिल रही है और गांव के अंदर जो वेटनरी के अंदर जो हॉस्पिटल है वहां पे जो है डॉक्टर नहीं है। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है इस बैठक के अंदर चर्चा की गई है। इसीलिए हमारी जो प्रदेश की सरकार से जो मांग है कि जो सरकार ने जो जनता से जो वादा किया था चुनाव से पहले कि हम जो है किसानों को जो है 80 रुपये लीटर 100 रुपये लीटर के हिसाब से जो दूध लेंगे, लेकिन इस सरकार ने जो है इस बजट के अंदर 1 रुपये की भी जो है बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसलिए आज जो दूध पैदा जो करने वाला जो किसान है उसके अंदर गुस्सा है, रोष है। इसलिए हमारी जो मांग आज प्रदेश की सरकार से है कि जो दूध का जो दाम है वो जो कम से कम 40 रुपये किया जाए और जो पेमेंट है जिसका कोई निर्धारित समय नहीं है उसको जो पेमेंट जो है हर महीने 10 तारीख से पहले की जाए और जो गांव के अंदर जो वेटनरी के अंदर जो डॉक्टर नहीं है उन तमाम पदों को भरा जाए और इसके साथ साथ जो फीड है उसके ऊपर भी जो सरकार जो सब्सिडी दे और उसको जो है डिपुओं के माध्यम से जो सस्ता जो जिस तरह से राशन के अंदर जो सब्सिडी मिलती है उसी तर्ज पर जो है किसानों को दी जाए। और इसके साथ साथ हमारी मांग है कि दत्तनगर के अंदर भी जो मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है खोला जाए ताकि जो यहाँ के जो नौजवान उसको रोजगार मिल जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है 17 जुलाई को जो है दत्तनगर के अंदर जो है एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा जिसको लेकर जो है गांव-गांव के अंदर मीटिंगें की जाएगी और लोगों को जो है लामबंद करते हुए उनकी व्यापक एकता को बनाते हुए जो है इसकी तैयारियां जो करने को लेकर इस बैठक के अंदर चर्चा की गई। उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने जनता को वायदा किया था कि हमारी सरकार सत्ता में आने के बाद 80 व 100 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदेगी, जो केवल चुनावी घोषणा बनकर रह गई है। सरकार ने तो बजट में 1 पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं की है, जबकि हर साल बजट में 2-3 रुपए की बढ़ोतरी होती थी। रामपुर बुशहर से मीनाक्षी भारद्वाज की रिपोर्ट। नेशन स्पीक्स, अब बोलेगा हिंदुस्तान।